देखी मैनुअली, हमने रिफिल किया, उसके बाद हमने मोल्ड अनक्लैंप किया और हमने मोल्ड को बाहर निकाला। तो इसे हम प्लंजर टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सिंगल प्लंजर का यूज़ करते हैं हम इंजेक्शन करने के लिए। और आप देखिए मोल्ड को मैं खोल के प्रोडक्ट को इजेक्ट कर लूँगा। तो आपने देखा प्लंजर टाइप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पे कैसे हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। ये ज़्यादातर बेसिकली अब यूज़ नहीं होता है, बहुत ही कम जगहों पे आपको मिलेगा। ये हार्ड इंटेंसिव लेबर वर्किंग की इसमें रिक्वायरमेंट होती है, स्किल्ड लेबर ही इसे अच्छे से कर पाते हैं और ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अब इसका यूज़ बहुत ही कम हो गया है धीरे धीरे।